हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आफ्टरनून से अपना वीडियो बना रही हूँ और हवास तो देख रहे हो, मुझे थोड़ी सी ज़ुकाम लगी है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। रोज़ ही मन करता है, रोज़ ही मिस करती हूँ एक अगर वीडियो डाल पाती, बट तबीयत के वजह से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। जैसे जैसे डे करीब आ रहा है वैसे वैसे मेरा तबीयत थोड़ा ज़्यादा बिगड़ते जा रहा है। तो आप लोग समझते ही होंगे कि अभी का सिचुएशन क्या है, वीडियो बनाना कितना मुश्किल है। तो हम लास्ट डे हम गए थे कुछ और चेकअप और टेस्ट रिपोर्ट वगैरह दिखाना था डॉक्टर को, तो उनसे कंसल्ट भी करना था क्या करना है आगे के प्रोसीजर। तो सब कुछ ठीक ही था, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बताऊंगी बाद में। और ये देखिए, आजकल हर टेस्ट के, हर ऑपरेशन या हर डिलीवरी से पहले आपको कोविड टेस्ट कराना पड़ता है। तो देखिए, नेगेटिव उल्टा दिख रहा है ना, तो फाइनली नेगेटिव आया है। ऐसे नेगेटिव ही आना था मेरे हिसाब से, मैं तो बिल्कुल, मेरा ना बुखार ना कुछ ऐसा था और घर में ही थी, आप लोगों को पता ही है। तो नेगेटिव आया है और ये भी बहुत अच्छी बात है, अगर पॉजिटिव आ जाता तो फिर डिले हो जाता। तो न्यू फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं हूँ आप लोगों के साथ जैसे आप लोग मेरे इस टाइम में हो मेरे साथ। इन दिनों थोड़ा थोड़ा क्लिप मैंने रख दिया है, मम्मी अभी नहाने गई हैं तो थोड़ा बहुत क्लिप देखती हूँ, जो जो भी डाल सकती हूँ देख लीजिएगा। थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ और बहुत जल्दी ही गुड न्यूज़ मिलने वाला है, तो मैं बताऊँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे लिए प्रे करना, मेरे बेबी के लिए प्रे करना, सब कुछ सही सही हो जाए। और आई नो आप लोग प्रे करोगे और करते हो। कोई भी नया देख रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे साथ बने रहने के लिए, मेरे आगे की जर्नी देखने के लिए, कैसे मैं अपने बेबी के साथ अपना आगे की लाइफ बिताऊंगी या क्या आता है क्या कुछ नहीं, सब कुछ आप लोगों से भी मुझे बहुत कुछ जानना है। तो प्लीज़ मेरे साथ रहिएगा और ऐसे ही मेरा साथ दीजिएगा जैसे देते जा रहे हो। तो चलिए आगे का वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। और बहुत सारा रिपोर्ट है, एक एक करके अगर दिखाऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो सेम ही प्रोसीजर होता है लगभग सबका। तो चलिए, तो मॉर्निंग उठने के बाद मुझे ब्रश करने के बाद पानी लेना होता है, आलमंड लेना होता है, कुछ देर बाद मुझे ब्रेकफास्ट करना होता है, फिर उसके बाद मिल्क लेना होता है, केला लेना होता है, फिर दो घंटे बाद ये जो नारियल का पानी है वो लेती हूँ मैं। ये नारियल का पानी हमारे हेल्थ के लिए ऐसे भी बहुत ही अच्छा होता है और ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत फ़ायदेमंद होता है। मुझे तो बहुत हेल्प मिली इससे, मुझे बहुत अच्छा लगता है नारियल पानी पीना। तो और उसके बाद मैं थोड़ा सा फ्रूट भी ले ली थी, हर दो घंटे बाद खाना होता है। और यहाँ पे देखिए, मेरी मम्मा लगभग हमारा खाना कंप्लीट हो गया था बनाना दोपहर का लंच, तो मम्मी सलाद काट रही थी और मैं थोड़ा सा वीडियो बना रही थी मम्मी के साथ। ये देखिए, ये है मिक्स, थोड़ा सा चौरचौरी टाइप मम्मी ने बना दिया है, मुझे बहुत पसंद है मम्मी का हाथ का चौरचौरी। तो डेट बहुत ही करीब आ गया है, मैं ज़्यादा काम नहीं कर रही हूँ, मेरी मम्मी सब कुछ कर रही है, आराम ही कर रही हूँ मैं बस ऐसे आके मम्मी के साथ। अकेले अकेले किचन में क्या करेगी, मैं मम्मी के साथ थोड़ा बहुत गप्पे भी मार लेती हूँ, फिर मेरा जो डाइट है जूस वगैरह लेना पड़ता है तो वो सब भी ले रही हूँ सब कुछ। थोड़ा बहुत वीडियो बनाने का मन नहीं करता है, बना भी लूँ तो एडिट करने का भी उतना हिम्मत नहीं होती है, तबीयत अच्छा नहीं लगता है। एडिट करने के लिए भी आपको थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होती है या थोड़ा आपका मन भी चाहिए होता है, नहीं नहीं होता है। तो देखिए चलिए और क्या बन रहा है दिखाती हूँ। तो ये बन रहा है यम्मी राजमा, राजमा किस किस को पसंद है बताइएगा, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बट मम्मी का हाथ का सब्ज़ी है ये, तो राजमा मैं बना रही हूँ। मम्मी ने बोला
इसका तड़का वड़का जैसे तुम बनाती हो वैसे बना लो, पता नहीं मेरा वाला अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि मम्मी ज़्यादा राजमा नहीं बनाती है। हमारे बंगाली घर में राजमा बहुत कम ही चलता है और मैं तो दिल्ली में रह के आई हूँ तो वहाँ पे राजमा चावल तो बहुत फेमस है, तो मैं ही थोड़ा प्रिपरेशन करके खड़े होकर थोड़ा टाइम बना लूँगी यम्मी वाला राजमा चावल। तो इस टाइम सलाद खाना तो बहुत अच्छा होता है, तो हर रोज़ ही मेरे घर में मिलेगा ही, तो मम्मी सलाद बना रही है। बिना ट्राइपॉड के ऐसे वीडियो करना पड़ता है, और देखिए अंधेरा लग रहा है ना वीडियो। अकेले खाना एकदम अच्छा नहीं लगता है, बट क्या करें फ्रेंड, आई हैव नो वे। बॉयल एग तो ऐसे भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बेबी के लिए भी अच्छा होता है। जो मुझे पसंद नहीं है ना फ्रेंड, वो भी मैं खा रही हूँ अपने बेबी के लिए। दूध मुझे कच्चे वाले दूध, मतलब ऐसे दूध मुझे एकदम पसंद नहीं है। मैं दूध का आइटम भी बहुत कम ही खाती हूँ, बट उसके लिए सब खा रहे हैं। और फिर 2 घंटे बाद फिर से मुझे खाना है फ्रूट्स जूस वगैरह, समझती हूँ। मेरा घूमना बस चेकअप ही हो गया है, तो चेकअप करके आने के टाइम बहुत भूख लग गया था, तो हमने एक वेज रेस्टोरेंट में दोपहर का लंच किया। बहुत ही सिंपल सा दाल चावल खाना था, तो वहाँ का एम्बियंट बहुत अच्छा लग रहा था, देखिए माहौल भी बहुत शांत था, तो मुझे अच्छा लगा, तो थोड़ा सा क्लिप मैंने क्लिक कर लिया। और दाल चावल क्या दिखाती, हस्बैंड है तो कैसा लगा बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।